हेलो गाइस हाउ आर यू होप यू आर डूइंग वेल एम निशा गुप्ता फ्रॉम जी सो आज की वीडियो में मैं आपके पास लेके आई हूँ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फुल एडर बाय यूजिंग द नैन गेट क्लियर तो आज हम नैन गेट के साथ फुल एडर को इम्प्लीमेंट करेंगे देखो हमने अपनी प्रीवियस वीडियोज में फुल uh, एडर के बारे में बताया था जो मेरी प्रीवियस वीडियो थी उसमें फुल एडर में मैंने सम एंड कैरी जो आउटपुट वेरिएबल्स है वो फाइंड आउट करे थे जो सम है सम को कैसे लिया था ए एक्सोर बी प्लस बी एक्सोर सी क्लियर एंड कैरी आउटपुट आया था कैरी आउट था ए बी प्लस इन ब्रैकेट ए एक्सोर बी ब्रैकेट क्लोज सी आई इट मीन्स कैरी इन क्लियर तो इसके लिए सबसे पहले इसको इम्प्लीमेंट करने के पहले हमें डी मॉर्गन थ्योरम के बारे में पता होना चाहिए कि डी मॉर्गन थ्योरम होती क्या है वैसे तो डी मॉर्गन थ्योरम सब स्टूडेंट्स को आती होगी बिकॉज जब हमने लॉजिक गेट किया था तब मैंने डी मॉर्गन थ्योरम को आपके बारे में उसके बारे में बता दिया था देखो डी मॉर्गन थ्योरम में क्या होता है अगर ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट हो तो ये क्या आ जाता है ए मल्टीप्लाई बी इंडिविजुअल का कॉम्प्लीमेंट अगर एडिशन का साइन है तो इंडिविजुअल आ जाएगा मल्टीप्लीकेशन साइन आके इंडिविजुअल का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा अगर मल्टीप्लीकेशन है तो एडिशन का साइन आके इंडिविजुअल का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा क्लियर तो देखो अब हम करने लगे हैं फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले जब ए एक्स और बी जब मैं पहले ए एक्स और बी को इम्प्लीमेंट करूंगी उसके लिए मेरे को फोर गेट्स बनाने पड़ेंगे अगेन जब हम एक्स और सी के साथ करेंगे फिर फोर गेट्स हम और बनाएंगे क्लियर तो सबसे पहले मैंने क्या किया दो इनपुट्स ली जब मैंने ए एक्स और बी लिया है उसके लिए मैं दो इनपुट लेती हूँ मेरे पास दो इनपुट कौन सी है ए एंड बी ये मैंने फोर जो है नैंड गेट्स बना लिए जब ए और बी के दो इनपुट्स को मैंने डाल दिया नैंड गेट में मेरा रिजल्ट आ गया ए बी कॉम्प्लीमेंट क्लियर उसके बाद हम यहाँ पे एक नैंड गेट बनाते हैं और एक इधर नैंड गेट बनाते हैं यहाँ से एक मेरे पास एक की इनपुट आएगी और एक आएगी जो मेरा रिजल्ट आया था ए बी कॉम्प्लीमेंट अब इन ये दो इनपुट को मैंने नैन गेट में डाला मेरा रिजल्ट आया ए मल्टीप्लीकेशन ए बी कॉम्प्लीमेंट होल कॉम्प्लीमेंट इन द सिमिलर वे ये देखो हमारे पास एक और नैन गेट है बी इनपुट हमने डाल दी और एक ए बी कॉम्प्लीमेंट इनपुट है ये दोनों इनपुट मेरी नैन गेट में गई तो हमारा आउटपुट रिजल्ट बनता है बी डॉट ए बी कॉम्प्लीमेंट होल कॉम्प्लीमेंट क्लियर अब ये दो इनपुट्स हैं ये इनपुट्स को मैं अगेन नैन गेट में डालती हूँ तो क्या होगा इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन का होल कॉम्प्लीमेंट तो इसको हम क्या लिख सकते हैं ए एक्सर बी क्लियर अब देखो ये मैंने ए एक्स और बी का रिजल्ट बना दिया सर्कट में अब हम करेंगे ए एक्स और बी एक्स और सी तो उसके लिए भी हमें फिर फर्दर फोर गेट्स बनाने पड़ेंगे मैंने ये देखो नैन गेट बनाया नैन गेट में मेरे पास ये जो आउटपुट आई एक ये आउटपुट है और एक ये जो इधर से आउटपुट आई वो ये हमने सी इनपुट ली उसको मैंने नैन गेट में डाला देन आफ्टर मेरा रिजल्ट बनता है ए एक्सर बी मल्टीप्लीकेशन सी होल बार क्लियर अब उसके बाद ये जो मेरा रिजल्ट है उसको मैं नैन गेट में डालती हूँ और एक ए एक्स और बी का जो रिजल्ट था उसको भी मैंने नैन गेट में दो इनपुट्स को डाला रिजल्ट आ गया हमारे पास आउटपुट ए एक्स और बी एक्स और सी सिमिलरली सेम यहाँ पे एक नैन गेट है यहाँ पे मेरे पास एक इनपुट आई सी आई की और एक ये मेरे पास इनपुट आई जो इधर से रिजल्ट आया था उसका भी सेम रिजल्ट अब इन दोनों रिजल्ट्स को हमने इनपुट की तरह एक नैन गेट में डाल दिया हमारा क्या आ गया सम क्योंकि हमें देखो पता है अगर ए मल्टीप्लीकेशन ए बी कॉम्प्लीमेंट है प्लस बी मल्टीप्लीकेशन ए बी कॉम्प्लीमेंट है तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं यहाँ पे हम डीमोर्ग थ्योरम को अप्लाई करते हैं ए ये होल है तो इंडिविजुअल का एडिशन कॉम्प्लीमेंट आ गया प्लस बी अगर मल्टीप्लीकेशन है तो इंडिविजुअल में एडिशन पे मल्टीप्लीकेशन एडिशन में इंडिविजुअल कॉम्प्लीमेंट आ गया तो हमारे पास इसको सॉल्व करने के बाद रिजल्ट आता है ए बी कॉम्प्लीमेंट प्लस बी ए कॉम्प्लीमेंट तो ये रिजल्ट बनता है ए एक्स और बी क्लियर अब हम करते हैं ये मेरे पास सम का रिजल्ट आ गया नेक्स्ट हम सम के रिजल्ट के बाद हम लोग करते हैं कैरी देखो कैरी के लिए क्या करेंगे एक रिजल्ट मेरे पास था इधर ए एक्स और बी सी एंड एक हम लेके चलते हैं सी की ए एक हम लेके चलते हैं ए बी कॉम्प्लीमेंट ये जो ए बी कॉम्प्लीमेंट लिया ये हमारे पास दो इनपुट्स आई दैन नैन गेट में डालने के बाद हमारे पास रिजल्ट आता है ए बी कॉम्प्लीमेंट डॉट ए एक्सॉर बी मल्टीप्लीकेशन सी आई कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट तो देखो जब हमने इसमें डी मॉर्गन सीरम लगाई तो उसके अकॉर्डिंगली हमारा क्या बन गया ए बी प्लस मल्टीप्लीकेशन थी तो एडिशन है डबल कॉम्प्लीमेंट मीन सेम नंबर है तो ये बन गया ए कॉम्प्लीमेंट एग्जॉर बी bracket क्लोज सी आई ये जो रिजल्ट है ए बी प्लस बी सी प्लस, ये। ये प्लस बी सी ए हमने अपने में जो जो था था वो किया था। क्लियर? अब हम नेक्स्ट करने जा रहे हैं हाउ यू बिल्ड ए एडर यूजिंग टू हाफ एडर्स दो हाफ एडर को लेके यूज करके हम फुल एडर को कैसे बिल्ड कर सकते हैं इसके लिए हमें दो हाफ एडर्स चाहिए दोनों हाफ एडर्स को हम ऐड करेंगे ऐड करने के बाद ये क्या बनेगा एक फुल लेटर बन जाएगा ये देखो यहाँ पे मैंने पहले एक हाफ एडर लिया फर्स्ट हाफ एडर सेकेंड हाफ एडर दोनों को मैंने और गेट में डाला मीन्स एड किया तो मेरे पास क्या बन गया फुल लेटर बन गया फर्स्ट हाफ एडर में मेरे पास दो इनपुट्स हैं ए एंड बी ये एक सम आ गया और ये कैरी आ गया जब सम था ए एग्जॉर्ब बी एंड कैरी था ए मल्टीप्लीकेशन बी फिर उसके बाद मेरे पास सेकेंड हाफ एडर है ये सेकेंड हाफ एडर से ये दो मेरे पास एक ये इनपुट है एक सी इनपुट है तो उससे भी एक सम आ गया मेरे पास ए एक्सोर बी एक्सोर सी एंड कैरी आ गया ए एक्सोर बी मल एंड मल्टीप्लिकेशन सी क्लियर अब ये जो तो रिजल्ट है इसका भी सम आ गया इसका कैरी आ गया अब मैं दोनों के कैरी को फर्स्ट हाफ एडर का कैरी क्या है ए एंड सेकेंड हाफ एडर का कैरी क्या है ए एक्सोर बी मल्टीप्लीकेशन सी तो अब हम कैरी करेंगे इसको और गेट में डाल देंगे बिकॉज हमने बोला था टू हाफ वैटर्स को हमने ऐड करना है जब हम ऐड करते हैं तो हम और गेट को यूज करते हैं हमने यहाँ पे और गेट लगाया हमारे पास रिजल्ट आ गया ए बी प्लस ए एक्स और बी मल्टीप्लीकेशन सी एंड दिस रिजल्ट इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए क्लियर अब हम इसका करते हैं सरकर डायग्राम ऑफ द फुल फुल एडर डायग्राम जो एडर है उसको हम कैसे करेंगे बिकॉज़ जैसे मैंने अभी आपको बोला है टू हाफ एडर लेंगे दोनों हाफ एडर के हम एडिशन करेंगे हमारे पास क्या बन जाएगा फुल एडर ठीक है जी यहाँ पे देखो सबसे पहले मैंने क्या लिया एक्सॉर गेट ले लिया ए और बी दो इनपुट है ए बी आ गया फर्स्ट हाफ एडर में एंड नैन एंड गेट में हमने ए एंड बी जो है वो इनपुट्स है ए बी रिजल्ट आ गया फर्स्ट हाफ एडर का सेकेंड हाफ एडर में भी सेम है ए एग्जॉर बी एंड एक सी हमारे पास इनपुट है तो हमने एग्जॉर गेट में डाल दिया तो हमारे पास आउटपुट आ गई सम आ गया ए एक्जॉर बी एग्जॉर सी और नैन एंड गेट में एंड गेट में एक मेरे पास सी इनपुट है और एक मेरे पास जो आउटपुट है इनपुट है एग्जॉर बी ये दोनों को मैंने दोनों को मैंने कहाँ पर डाल दिया ये एंड गेट में देन उसके बाद जो रिजल्ट आया हमने क्या करना है ये वाला रिजल्ट और ये जो नैंड गेट एंड गेट का रिजल्ट है फर्स्ट हाफ एटर में इन दोनों को मैंने और में डाल दिया और गेट में जब और गेट में डाला तो हमारे पास जो रिजल्ट आ गया ए बी प्लस ए एक्स और बी मल्टीप्लीकेशन सी तो ये मेरे पास था सर्कल डायग्राम ऑफ फुल एटर का तो आज की वीडियो में मैंने आपको इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फुल एडर यूजिंग द नैंड गेट करवा दिया है एंड अ सर्कल डायग्राम ऑफ फुल एडर का कर दिया है हमने हाउ विल यू बिल्ड ए फुल एडर बाय यूजिंग द टू हाफ एडर कर दिया है क्लियर तो इसमें मैंने ये तीनों आपको फुल एडर के बारे में बता दिए हैं अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और जो फुल एडर के बारे में है वो करेंगे क्लियर तो आज की वीडियो में मैंने ये आपको जो कराया है वो आपको समझ लग गई होगी थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो